राज्यसभा चुनाव में आज का दिन स्क्रूटनी का रहा। राजस्थान से 3 नामांकन भरे गए थे, जिनमें 2 भाजपा और 1 कांग्रेस उम्मीदवार का रहा। तीनों नामांकन को रिटर्निंग अधिकारी ने सही पाया। उधर 20 फरवरी को नामांकन वापसी का दिन रहा। ऐसे में 20 फरवरी को ही राजस्थान की तस्वीर आधिकारिक तौर पर साफ हो जाएगी। उधर भाजपा से उम्मीदवार मदन राठौड़, चुनीलाल गरासिया और कांग्रेस से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा स्क्रूटनी के समय विधानसभा में मौजूद रहे। जो नामांकन पत्रों की जांच हुई थी, जो हमने फॉर्म भरा था उसका राज्यसभा के लिए, उस जांच में हमारा फॉर्म स्वीकार किया गया। भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों के लिए किसी ने कोई आपत्ति नहीं प्रस्तुत की, फॉर्म स्वीकार हुआ। और अब ठीक है, चुनाव का जो एक सिस्टम है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत 19 तारीख तक जब विड्रॉल है तब तक इंतजार किया जाएगा और 20 तारीख को नियमानुसार वो प्रमाण पत्र जारी करेंगे। आज मुझे मेरा नामांकन स्वीकृत हो गया है, तीनों का नामांकन स्वीकृत हो गया है। कांग्रेस से बहन सोनिया जी और भारतीय जनता पार्टी से हमारे मदन जी राठौड़ साहब, और मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ। ये आज राजस्थान प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि तीनों ही राजस्थान की चिंता, राजस्थान का चिंतन, राजस्थान का विकास और राजस्थान की जनता का एक प्रतिनिधित्व करके केंद्र की हमारी उच्च सदन में विषय रखेंगे। आज स्क्रूटनी थी, तीनों राज्यसभा मेंबर जो थे कांग्रेस के और 2 भारतीय जनता पार्टी के, उनकी फार्मों की स्क्रूटनी थी आज, और वो तीनों फार्म सही पाए गए। अब चुनाव नहीं होगा। एक आपत्ति हमारे कांग्रेस की कैंडिडेट आदरणीय सोनिया गांधी जी के फार्म के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई थी, वो ये थी कि जो आपने एफिडेविट दिया है उसमें जो पैतृक संपत्ति आपकी है इटली में, उसका आपने पूरा एड्रेस नहीं लिखा है। जबकि ये जो आपत्ति थी वो बिल्कुल स्वतः ही खारिज थी, क्योंकि एफिडेविट में